आए 60 तस्वीरें बनाई और यू शो किया जी 10 दिन से हम धरने में हैं। तो खैर अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन ये जो आए बैठे हैं ये साबिकून साबिकून में शामिल हो गए हैं। वो आबे साहब जो बैठे हैं ये बड़ी पगड़ी के साथ साथ, आपको पता है कि बदरी बदरी है, उनका बराबर कोई नहीं हो सकता, बदर वाले के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। तो जो पहले आ गए अल्लाह की नजर में वो पहले वाले ही है, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं भरपूर कोशिश के साथ हौसले के साथ, आपके बराबर कोई नहीं है, आपके बराबर कोई ऐसे सीनियर नहीं हो सकता जो घरों में बैठे। तो आप लोग चुन लिए गए हैं जिनकी वजह से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक हमें कामयाबी देने वाला है। तो एक नारा हो जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर कैमरा मैन ने कहा है, हुक्म दिया कि सर कुछ नारा होना चाहिए, हम कैप्चर करें ताकि आंखों की धुंधलाहट कम हो। तो पता नहीं यार, मैं तो अभी तक ये साउंड वाली असल ज्यादा बोलने की आदत है ना ऊंचा, तो शायद इस वजह से मुतमिन नहीं हो पा रहा, लेकिन आप लोगों ने मुतमिन कर देना है, हक हमारा। हाथ उठाए, नहीं इंज नहीं, इंज नहीं, कुड़ियों की आवाज ज्यादा थाने को, है हक हमारा। अली भाई आपने 6 साल टेक्सटाइल में काम किया है, खैर अगर भी वहाँ पे होते तो आपकी 3 लाख तनख्वाह होती, लेकिन पता नहीं आप क्यों इधर आ गए और यहाँ पे हमें ये जलील कर रहे हैं। ना मुराद राज साहब वहाँ पे जैसी आवाज फ्लोर पे निकालते थे उस तरह की आवाज आनी चाहिए, है हक हमारा, है हक हमारा, आने आए लाने आए, रात भी देगा, इफ्तार भी देगा, रात भी देगा। आज इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से